खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर देते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ड्राइवर सरबजीत की पिटाई पर उठा बवाल अब भी थमता नहीं दिख रहा है। आरोपी पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कल रात भी इलाके के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया। रविवार को सरबजीत की बस से पुलिस की गाड़ी टकरा गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सरबजीत और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई की। एक वीडियो में सरबजीत भी पुलिस वालों पर हमला करता दिखाई दिया। हालांकि 3 पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन इलाके के लोग पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली की मुखर्जी नगर में ड्राइवर की पिटाई का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। कल रात भी लोगों ने थाने का घेराव किया और लगातार पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कल रात को फिर से लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया है। और रविवार की घटना है जब सरबजीत की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई थी और जिसके बाद पुलिस ने सरबजीत और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई की। मुखर्जी नगर में आज तीसरे दिन भी माहौल गरम है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे भाई, और अगर आप देखें तो कुछ एक सिख युवक जो है जमीन पर बैठकर जाप कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी है उन्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाए, उन सभी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने अमानवीय कार्रवाई करते हुए बीच सड़क पर न केवल एक व्यक्ति को बल्कि उसके नाबालिग बच्चे को भी बुरी तरह से पीटा था। और फिलहाल ये जो अभी युवक बैठे हैं, इससे पहले पुलिस इनको हटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि कोई बल प्रयोग किया जाता या कुछ और होता, सभी युवक पाठ करने के लिए नीचे फर्श पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे और यह जो प्रोटेस्ट है इस तरीके से ही चलता रहेगा। हमारी मेन डिमांड यही है कि सस्पेंड ना किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको बर्खास्त किया जाए। और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, सिर्फ जाप कर रहे हैं। पीछे हमारी एक गाड़ी है, वहाँ पे लंगर चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ सिख नहीं है यहाँ पे, हिंदूज भी आए हैं, पंजाबीज भी आए हैं, जिन जिनको लगा कि नाइंसाफी हुई है वो सब आए हैं, वो सब हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। बेसिकली हमारी डिमांड यही है कि इंसाफ होना चाहिए, जो हमें नहीं लगता कि होगा। जितनी देर तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।